नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा फूड्स में आपका स्वागत है। आज मैं आंवले का अचार बनाऊंगी आप लोगों के लिए और वो दिखाऊंगी अपने वीडियो में। फुल वॉच करिएगा आप मेरा वीडियो, और उसमें मैंने मीठा और नमकीन दोनों अचार बनाना बताऊंगी मैं आपको अपने वीडियो में। तो इस चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं, आंवले के मीठे नमकीन अचार की। तो चलिए शुरू करते हैं आंवले का अचार बनाना। तो उसके लिए मैंने ले लिए आधा किलो आंवले, धो के ले लिए साफ़ करके। ये आधा किलो आंवले ले लिए हैं मैंने, और इनको स्टीम करना है मुझको, उबालना नहीं है, बट भाप में इनको थोड़ा सा पकाना है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आंवले मैंने दिखाए थे आपको अभी, तो ये मैंने आंवले ले लिए हैं, और इसमें ले लिया है पानी। ये पानी ले लिया है मैंने, ये 3 ग्लास पानी है, और ये उबलने लग जाएगा तो इसके ऊपर ये मैं रख दूँगी छलनी, और जब पानी उबलेगा तो इसकी स्टीम से ये गल जाएंगी आंवले जितने हैं, इसकी स्टीम से ही पकेंगे ये। और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, 5 मिनट के लिए छोड़ना है, तो पानी उबलने लग जाएगा तो उसकी स्टीम से पकेंगे। और मैं अब इसको ढक देती हूँ और आपको दिखाती हूँ, जब स्टीम हो जाएगी तो आपको उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये स्टीम हो गए हैं आंवले, ये देखिए इस तरह फट गए हैं। इसका यही पहचान है कि आंवले स्टीम हो गए हैं। इनको मैंने उबाला नहीं है, सिर्फ स्टीम किया है, और उससे ये हो गए हैं। माने इसका मतलब ये है कि पानी में जब हम उबालते हैं तो ज़्यादा उसे पानी हो जाता है, और इस तरह उबालते हैं तो गीला तो होगा, इसको अभी सुखाना भी पड़ेगा, धूप दिखानी पड़ेगी ताकि इसका पानी ख़त्म हो जाए। लेकिन स्टीम करने से यही फ़ायदा है कि ज़्यादा आंवले के अंदर पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये हो गए हैं तैयार हमारे। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये देखिए, मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं आंवले, और ये क्रैक्स आ गए हैं जो, अब इसको इस तरह निकाल लें। ये देखिए, इस तरह इसको निकालना, और बड़े आराम से सारे ही आंवले इसकी फांके इस तरह अलग आ जाएंगी। ये देखिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं जाती स्टीम होने के बाद आंवलों में। और इनको अभी धूप भी दिखानी पड़ेगी, जो भी इससे पानी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हुआ है तो वो धूप दिखानी पड़ेगी, तो वो दिखाऊंगी मैं आपको। ऐसे सारे आंवले अलग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बीच में थोड़ा सा इस तरह करके प्रेशर देके अंगूठे से, और ये देखिए सारे निकल आते हैं बड़े आराम से। ये देखिए, तो मैं आपको ये पूरे निकाल के और दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने पूरे आंवले, जो मैंने आधा किलो आंवले स्टीम किए थे, तो ये कंप्लीट मैंने इसको इस तरह निकाल लिए हैं। ये देखिए, और इस तरह इसका गुठलियाँ निकल जाती हैं। ये देखिए, और इसको अब मैं धूप दिखाना है, इससे जो भी पानी एब्जॉर्ब हुआ है इसमें, तो अचार के लिए पानी नहीं रहना चाहिए। ये खासियत होती है अचार की कि अचार में पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तो इसमें अभी मैं इसको 2 घंटे की धूप के बाद आपको दिखाऊँगी कि कैसे हो गई है। और इसके लिए अब मैं मसाला तैयार करूँगी, और इसको धूप में रखने जा रही हूँ मैं, और धूप में रख के मैं इसका मसाला तैयार करूँगी, जो आपको दिखाऊँगी कि इसमें क्या क्या मसाला लगता है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए व्यूअर्स, सौंफ ले लिए मैंने, सौंफ 1.5 चम्मच ले लिए मैंने, और मेथी ली है मैंने, ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ मैं इसमें, ये मेथी ली है मैंने, और जीरा लिया है, जीरा मैंने 1 चम्मच ले लिया है, मेथी 1 चम्मच ले ली है,
और डेढ़ बड़ी चम्मच मैंने सौंफ लिया है, और इसको मैं हल्की आंच में थोड़ा ही भूनना है, मुझे ज़्यादा नहीं भूनना है, तो मैं आपको भून के दिखाती हूँ। हल्का ही भूनना है इसको। और इधर मैंने ले लिया है, ये देखिए, ये मैंने ले ली है पीली सरसों की दाल। पीली सरसों को हल्का सा चर्न करना है ऑन ऑफ करके, हल्का सा। और वो ले लिए मैंने पीली सरसों इसमें अचार में डालने के लिए। राई मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि उससे कलर भी ख़राब होता है, और आंवला खुद ही खट्टा बहुत होता है, सिट्रिक इसमें बहुत होता है, तो आंवले में मैं नहीं डालती हूँ राई। ये नमक ले लिया मैंने एक बड़े चम्मच, और एक चम्मच मैंने ले ली मिर्च, और आधी चम्मच हल्दी। इतना ही मसाला डालूंगी मैं इस अचार में जो मैं आंवले का अचार बना रही हूँ। अब ये मेरा हो गया है, ये देखिए भून गई है मेरी, और मैं आँच को बंद करती हूँ। बस इतना ही भूनना है मुझे। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने सौंफ और मेथी जो ली थी, सौंफ मेथी को ऑन ऑफ करके हल्का चर्न कर लिया है। मैं इसको बारीक नहीं पीसती इस मसाले को। और अब ये जो मेरे नमक मिर्च हल्दी रखी है, मैं इसमें ये मसाला मिला लूँगी, और इस मसाले को पूरा मिला के जब सूख जाएगा आंवला उसे मिलाऊंगी, और उसी समय इसमें तेल गरम करके डालूंगी, सरसों का तेल डालूंगी, और वो गरम करके मैं ठंडा कर लिया है तो वो डालूंगी मैं इसमें। और आंवला सूखने के बाद 2 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला ये मैंने रेडी कर लिया, आंवला रेडी कर लिया है, अब मुझे सिर्फ इसको मिलाना है, तो मैं वो धूप दिखाने के बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें मैं आपको ये जो मैंने पीली सरसों की दाल ली थी वो आपको दिखाना भूल गई थी मैं, तो ये मैंने वो भी डाल ली है। और मैं राई नहीं डालती, इसमें कलर भी ख़राब होता है, और आंवला अपने आप में खट्टा है तो उसमें राई की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये मैंने ये भूल गई थी, ये मैंने डाल ली है। और अब आपको आंवला सूखने के बाद दिखा, सुखाना नहीं है उसको, सिर्फ उसका पानी ख़त्म करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद। ये देखिए व्यूअर्स, आंवले को मैंने 2 घंटे धूप में सुखाया है, और इसका जो पानी था, स्टीम था, वो सब सूख गया है, एब्जॉर्ब हो गया है। देखिए एब्जॉर्ब जो किया था पानी, वो सूख गया है। और इसे मैंने जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे वीडियो में अपने, वो सारे मसाले मैंने इसे मिला दिए, और ऑयल मिला दिया ये सरसों का तेल, और मेरा ये अचार बन के बिल्कुल तैयार है। व्यूअर्स एक बात कहना चाह रही हूँ मैं आपसे, कि आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, प्रकृति का दिया हुआ हमारे लिए वरदान है, अमृत है, हमारे लिए अमृत माना जाता है, विटामिन सी भरपूर होता है इसमें, और इसको हर तरह से खाया जा सकता है, चटनी है, अचार है, सब्जी है, मीठी नमकीन दोनों तरह की चटनी बनती है। तो मैंने ये इस सीक्वेंस में ये बनाया है नमकीन अचार, आपको दिखाया है पूरा वीडियो, और इसी सीक्वेंस में मैंने जो आंवले उबाले थे, स्टीम किए थे और उनको ड्राई किया है, उसमें से मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो, मैं इसका अलग से नहीं बनाना चाहती थी, और इसलिए ये मैंने थोड़े से आंवले रखे हैं, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका मैं मीठा अचार कैसे बनाती हूँ, मुरब्बा इसका कैसे बनाती हूँ। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है मेरे मुरब्बा बनाने का, और मैं ऐसे ही बना के अपने घर में रखती हूँ, तो मैं आपको इसका भी दिखा देती हूँ साथ में, नमकीन अचार के साथ साथ ये मीठा मुरब्बा भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाती हूँ, तो मैं ये भी दिखा देती हूँ। ये मेरा नमकीन अचार तैयार हो गया, और मैं आपको इसका मुरब्बा भी बना के आपको दिखाती हूँ, इसी वीडियो में दिखा रही हूँ मैं, तो चलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक छोटे भगोने में चाशनी बना रखी है, देखिए चीनी अभी गलनी बाकी है इसकी, तो चाशनी का रेशो मैंने रखा है, इस कप से मैंने मेजरमेंट लिया है, 1 कप चीनी और 1 कप पानी। तो आप भी कोई मेजरमेंट ले लें जिससे आप चीनी का मेजरमेंट करें, मेजर करें जिस चीनी को, जिस कप से, उसी कप से आप पानी ले लें बराबर का,
मतलब इक्वल रेशो रहेगा। और जब ये चीनी गल जाएगी, ये देखिए चीनी गल चुकी है, तो इसमें मैंने जो उबाल के और सुखा के, स्टीम करके और सुखा के जो मैंने आंवले रखे हैं, ये आंवले मैं इसी में डाल दूँगी। और इसको पकाऊंगी मैंने बिना तार की चाशनी, इसमें तार की चाशनी नहीं बनती है, लेकिन ये अच्छे से मर्ज हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये भी छोड़ेगा, नमी है इसमें जो आंवले में, तो अभी ये भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, तो इसी में मर्ज हो जाएगा। और उतना ही इसको उबालना है जितना ये चीनी को एब्जॉर्ब कर ले, मिठास को एब्जॉर्ब कर ले। तो आपको मैं दिखाती हूँ इसको भी उबलने के बाद, आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कि क्या प्रोसीजर है। ये देखिए व्यूअर्स, नमकीन अचार मैंने बना लिया था, और ये मैंने मीठा आपको दिखाया था, नाप बताया था कि बराबर का रेशो चीनी का और पानी का होता है, और उसमें आंवला डाल दिया था मैंने, जो मैंने आंवले स्टीम किए थे उसमें से एक पार्ट निकाल के और मैंने ये इसमें डाल दिया था। अब देखिए इसमें कोई एक तार की चाशनी नहीं बनी है, ये देखिए, ये देखिए, तो बिना तार की चाशनी है, तार की चाशनी अब बनने वाली है। इसके नेक्स्ट ये है, झाग आ चुके हैं, तो बस मुझे इतना ही पकाना है इसको, और ये गैस बंद कर दी मैंने। ये देखिए रेडी है हमारा आंवले का मीठा मुरब्बा। मुरब्बा दूसरी तरीके से भी बनाते हैं, साबत आंवले का बनाते हैं, और उसका प्रोसीजर दूसरा है कि उसको पानी, उसको गोद के कांटे से, फोक से, और वो रखना पड़ता है उसको पानी में, तो वो प्रोसीजर अलग है इसका। लेकिन मैं ऐसे इजी प्रोसीजर में बनाती हूँ आंवले का ये मीठा मुरब्बा। तो ये आज मैंने आपको दिखाया, आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा आंवला बचा के उसमें से, उस पार्ट में से, और मैंने ये मीठा बनाया, और ताकि आप देख सकें और आप भी बना सकें इसको इजीली। इजी प्रोसेस होता है, हर कोई वो मुरब्बा नहीं बना पाता है, तो ये इजी प्रोसेस है बनाने का, तो ये मैंने आज आपको दिखाया है, और मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आज मैंने आंवले का अचार बनाया था, मीठा और नमकीन दोनों। तो नमकीन अचार का भी पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है अपने वीडियो में, और ये मीठे अचार का भी, तो मीठे अचार में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और इजीली बनता है, और इसी तरह मैं इजीली बनाती हूँ अपने जो भी काम हो, कंफर्ट जोन में करती हूँ अपना काम में। तो ये मैंने आपको मीठा अचार भी बनाना बता दिया, इसे मैंने आधे चम्मच इलायची और डाली है, ये देखिए इसका बहुत प्यारा कलर आया है। तो इसे आपको दिखाया जो चाशनी में, उसे मैंने आधा चम्मच इलायची डाली थी, और केसर के दो तार डाले थे, ये एक्स्ट्रा है इसमें, और बाकी सब मैंने आपको पूरा बताया है। तो आप मेरा ये वीडियो जो आंवले का मीठा नमकीन अचार है, ये पूरा वीडियो मेरा देखिएगा अंत तक, फुल वॉच करिएगा, और बहुत आसानी से ये दोनों अचार तैयार हो जाते हैं। तो आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और अगली रेसिपी लाने तक टेक केयर, बाय बाय।